मिजोरम में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, 34 करोड़ से अधिक की हीरोइन की खेप बरामद, आरोपी गिरफ्तार। आईजीएल एएनआई मिजोरम पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शुक्रवार को 6 किलो से अधिक हीरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 34.18 करोड़ रुपए है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक टैक्सी को रोका, जांच करने पर हीरोइन मिली। हीरोइन को 500 साबुन दानियों में रखा गया था। हीरोइन की सबसे बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने कहा कि राज्य के इतिहास में ये हीरोइन की सबसे बड़ी जब्ती है। वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इससे पहले 2 अक्टूबर को मिजोरम के विशेष नारकोटिक पुलिस स्टेशन की टीम ने 1.24 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 248.36 ग्राम हीरोइन जब्त की थी। म्यांमार के एक नागरिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मई 2021 से अब तक 900 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त असम से। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि मई 2021 से राज्य में 900 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। 6,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमद शंकर देव कला क्षेत्र में हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम को ड्रग मुक्त राज्य बनाने के लिए असम सरकार अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।